तो गाइस पलटन हमारी निकल चुकी है घूमने के लिए, और ताशु को मैंने उठाया नहीं आज, तो एक एक करके घुमाऊंगी सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। जस्ट उठी और उठ के आ गई शहजादे को लेके, मुंह भी नहीं धोया आज तो मैंने, और बादल हो रहे हैं। मैंने बाहर आके देखा तो बादल हो रहे हैं, बस थोड़ी सी बारिश हो जाए भगवान, बहुत गर्मी हो रही है आज। क्या अच्छा नहीं, गोलू खड़ा है कालू के पास। चलो 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 शहजादे, चलो शाबाश, चलो गुड बॉय। अब नंबर है हमारे नवाब साहब का, और ये देखो सनफ्लावर को देख देख के मुझे इतना दुख हो रहा है ना, जिस तरीके से ये जला है, इधर ये पत्थर चट कैसे जल गया। कर लो आगे, कर लो, चलो चलो कपड़े पहनो। भाई साहब घूम रहे हैं अकेले, क्योंकि शहजादे को मैंने पहले घुमा दिया है, और इनकी पलटन कहीं मजे लेती फिर रही है। ये देखो कहीं कहीं घूम रहे हैं मजे से। नाबू और शहजादा आज मैंने अलग अलग घुमाया, क्योंकि ताशु को मैंने उठाना सही नहीं समझा, बच्चे की तबीयत ख़राब है, लेकिन वो फिर भी एक्साइटमेंट में, खुशी खुशी प्यार में ना आ जाता है, उससे क्या एग्जॉशन ही हो जाती है उसको, तो मैंने उसको पता ही नहीं लगने दिया। आज सो रहा है आराम से, पहले शहजादे को घुमाया, क्योंकि शहजादा रुक नहीं सकता। अगर मैं नवाब को ले आती ना, तो वही पता नहीं वो क्या ही हालत करता, फिर तो सभी उठ के बैठ जाते, तो इसलिए पहले शहजादे को लाई, धन फिर कोई बच्चा दिख गया बच्चों को। यहाँ पर नवाब जी का पानी ब्रेक, आंटी से स्पेशली भूख भाग के पानी बंदे ने मंगवाया, भरवाया और फिर पानी पिया। ये देखो, ये देखो पलटन, पलटन को देखो, पलटन ये आह ओहो कुछ भी देख रहे हैं, इनके मज़े कितने हैं देख रहे हैं, इधर अपना स्वीटी एंड पार्टी, स्वीटी एंड ट्वीटी। तो गाइस वॉक के बाद में सारे पार्क को पानी लगाते हुए, और सनफ्लावर का जो पौधा है वो रहा, मर गया मेरा बेचारा, इसमें ना एक साथ दो निकली थी, इतनी खुश थी मैं कि दो फूल आएंगे, कहते हैं ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटमेंट तो तिलंगे में चली गई। और अभी मैं पानी दे रही थी तो सामने ना पौधे वाले, जैसे कोई भी पौधे वाला आता है ना, चाहे वो साइकिल पे हो, चाहे वो रेडी पे हो, चाहे वो ट्रैक्टर में हो, घर के बाहर आके जरूर रुकते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी पता चल जाता है जिस घर में ज़्यादा पौधे हैं, तो इन इस घर के प्राणी को ही ज़्यादा चुल है पौधे लगाने की। तो बाहर आके ना ऐसे ब्रेक करते, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम पानी पी रहे हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं, कि कोई तो देखेगा और आएगा। तो काफ़ी देर से ना एक साइकिल वाले भैया, थोड़े से कुछ 10-5 पौधे रखे हुए थे, वो रुके हुए थे। तो मैं अपने पार्क में पानी देती फिर रही हूँ, तो मैं फिर मेरे एकदम से पता नहीं क्या, मैं तो मैं भी, मुझे ऐसा लगता है मैं भी बहुत ही बदतमीज हूँ। ताशु सुबह सुबह ताशु और मैं हंस उसके लोट फोटा है। तो वह ये कि मैंने उनको बोला कि भैया पौधे वाले भैया, कह रहे हाँ जी, मैंने कहा भैया हमारे सूरजमुखी का पौधा मर गया, तो कहता है मर गया तो दूसरा ले लो जी। और मैं और ताशु हंस हंस के लोटपोट, मैंने कहा चलो देखते हैं कैसा है भैया के पास पौधा, ये कौन सा टाइम है सूरजमुखी के पौधे लगने का, बीच हाँ 15 जून हो चुकी है, ये तो फूल आने का टाइम है। तो मैं जब उसके पास गई तो उसने तुलसी का पौधा निकाल कर दे दिया, मैंने कहा ये क्या भैया, कह रहे आप ही तो कह रहे तुलसी मर गई, मैंने कहा भैया सूरजमुखी मर गई, कह रहे सूरजमुखी नहीं है, मैंने कहा शुक्र है, मैंने कहा सूरजमुखी, कह रहे मैंने कहा भैया कुछ रीज़न, कह रहे मर जाते हैं जी पौधे। मैं अगर बकेट से ये जो छोटे वाले गमले इनको पानी दे रही थी, तो मैंने क्या देखा, कह रहा भाई मैं देखो इसे लगा के, अरे यार ताशु क्या नौटंकी है तू, हैं बढ़िया लग रहा है, फिर लगा के रखी हो पूरा दिन बदतमीज, निकाल इसे, अगर तू अगर अच्छे से साफ दीदी से किसे टकराता फिर रेड ऑक्स की तरह है नौटंकी, एक नंबर का ना। यहाँ पे मैं सुबह का सारा गान उठा के एकदम आज रेडी हो गई, सब लोगों के लिए भी शॉकिंग होगा कि आज मैं एकदम सुबह सुबह रेडी, कैसे मैं रेडी हूँ और नवाब का शूट करने के लिए, और त्यागी जी जा रहे हैं नवाब की दुनिया में, और नाबू को हम थोड़ा उठा रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं कि बेटा उठ जा कुछ कमा ले पैसा धंधा, तो इन भैया को भी थोड़ा सा मिलेगा, आपकी मम्मा को भी मिलेगा, और शहजादे की रोटी रोजी थोड़ी चलेगी, विस्की की भी दवाई गोली हो जाएगी, एक महीने में जो तेरी तरक्की से खुश है, बाप को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, हाँ माँ को ही चाहिए सब कुछ, तुम कमाओ खिलाओ अपनी मम्मी को, सब काम करो, हम ऐसे ठीक है, हम खुद कमाएंगे। मम्मी गंदे कपड़ों में घूमती रहती है, शॉपिंग भी नहीं करती, क्या फायदा ऐसे पैसे की, अपने बर्थडे पे लाल रंग की स्विफ्ट की चाहिए, सफेद क्यों नहीं अंश, लाल ही क्यों अंश, स्विफ्ट गाड़ी व्हाइट में अच्छी लगती है कि रेड में, मुझे तो रेड में अच्छी लगती है, खैर अच्छी लगती है ना, लगती है छोटी सी क्यूट सी गाड़ी, अच्छी लगती है स्विफ्ट, हाँ, और एक थोड़ा सा मतलब मेरे को पता नहीं क्यों इतनी गाड़ियां नहीं आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन स्विफ्ट स्विफ्ट है यार। तो गाइस फाइनली हमने बहुत देर बाद में जाके अपनी प्रमोशन वाली वीडियो कंप्लीट कर ली है, टाइम बहुत लगा,
जिसके चक्कर में ब्लैकी को हॉस्पिटल ले लेके जा पाई, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू शूट कर ही रहे थे। और अगर ब्लैकी को ले जाते ना बीच में तो मेरे को कपड़े चेंज करने पड़ते और मेरी शक्ल पे बच जाते 12 जो मैंने सनस्क्रीन वगैरह सब लगाया है। तो मैंने उसको स्किप किया ले जाना, मैं अब लेके जाऊँगी उसको शाम के टाइम 4:30 बजे। कौन दिखला है मेरे को, ये मेरे को कौन दिखला है, चिचू कौन करके आएगा बाहर, मम्मा को जाना है हॉस्पिटल। गाइस थोड़ी देर रेस्ट करके मैं अब जा रही हूँ बाहर, ब्लैकी को लेके जाना है हॉस्पिटल। टाइम हो रहे हैं 4:30, क्योंकि 5 बजे क्लिनिक खुल जाता है, तो 4:30 बजे निकलूँगी तो 4:45 घंटे में पहुँच जाती हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ बाहर और मैं आके देख रही हूँ अपने पौधों की हालत क्या हो गई। भगवान कितना बदल गया इंसान, मतलब मुझे ना कल से ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि सनफ्लावर का पौधा धूप से जल गया। मतलब ये कैसे पॉसिबल है, आप लोग भी बताओ मुझे ये कैसे पॉसिबल है कि सनफ्लावर का पौधा जल गया, जो पौधा बना ही 45-50 डिग्री के लिए है वो कैसे जल सकता है। तो और पौधे कहाँ जाएं बेचारे, कहाँ जाके मुंह छिपाएं अपना। आज आपकी हिमशी ने लगाई है लिपस्टिक, क्योंकि आज मैंने 2 वीडियोज़ का काम निपटाया, बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था, प्रमोशंस पड़े हुए थे पेंडिंग में, क्योंकि मुझे ना टाइम ही नहीं लग पाता। पहले मैं अपना सुबह अपने बच्चों का काम निपटाती हूँ, देन फिर अपने दूसरे छोटे बच्चे जो मेरे पौधे हैं पेड़ पौधे उनका निपटाती हूँ, देन फिर पेट पूजा ब्रेकफास्ट वगैरह खाना अपना ये वो आप लोग देखते हो सारा दिन रूटीन। फिर जो मेरे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको कुछ हेल्प चाहिए होती है मुझसे तो उस पर लगी रहती हूँ, और ऊपर से सबसे बड़ी बात 50 डिग्री टेम्परेचर जो रहा है, हिम्मत ही नहीं पड़ रही भाई सनस्क्रीन लगाने की, लिपस्टिक लगाने की, जब पूरा दिन आपको कढ़ाई पलटा लेके किचन में ही खड़े रहना है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं तैयार होके क्या करूं। भैया आ गए हैं और मैंने सॉक्स ले लिए हैं, मैं बैठ के पहनूंगी, कल मैं पहनने ही भूल गई थी। टैनिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है ना बता नहीं सकती, और हिम्मत पड़ नहीं रही कि मैंने पेडीक्योर कराया जाए। मैं मतलब बेसिक काम के लिए भी नहीं जा पा रही हूँ अपने घर से, इतनी गर्मी मुझे ही लग रही है हो रही है। बहुत सारी बोतल रखती हूँ भर के, और काफ़ी सारे लोग आते हैं मेरे से लेने। हाँ जितना पानी पिला दो उतना ही अच्छा है। हेलो कहाँ इधरा भाई, नहीं नहीं गाइस दीदी एंड ब्लैकी जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, और ब्लैकी बिल्कुल भी गंदा नहीं हो रहा है गाइस, बिल्कुल भी रेत नहीं है ब्लैकी के ऊपर, अब ठीक हो रहा है ना, तो बहुत एक्सप्लोर करता हुआ जाता है देखता हुआ जाता है। कालू जी पहुँच गए क्लिनिक, शुक्रिया। एक्सप्रेशन देखो इसके आजकल ठीक, जैसे जैसे ठीक हो रहा है जैसे जैसे ठीक हो रहा है वैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो हो गया हमारे कालू जी का ट्रीटमेंट, अब निकलते हैं घर के लिए। घर जाके मुझे काफ़ी टाइम लग गया, भैया भी बोल रहे थे करे, मैं फ़ोन ही करने लगा था कहाँ रह गए मैडम, नहीं काफ़ी टाइम लग गया मुझे क्लिनिक में, तो बस अब निकलते हैं। मुझे लग रहा है घर पहुँचने तक तो अंधेरा ही हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। ये देखो इसका एरिया आ गया, परेशान हो गया एकदम। अरे ब्राउनी जाओ जाओ भाग जाओ भाग जाओ, इसे पता चल जाता जैसे इसका घर आता है टिल्लू बैठा टिल्लू, जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, शाबाश भागो भागो, अरे आ उतर तो जा, आज उतर नहीं रहा स्टाइल मार रहा है, जाओ जाओ भागो जा, भैया बुला रहे हैं जाओ। क्या हुआ ऐसे मालूम है? हाँ इलाज चल रहा है इसका। ना हुआ क्या है? पार्वो टिक फीवर। चलो 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 चलो। तो ब्लैकी को उसके घर छोड़ के मैं आ गई अपने घर, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दिन दिन में लौट आऊँ, लेकिन मुझे था आइडिया कि अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं 4:30 बजे निकली और मेरे को 5:15 बज गए पहुँचने, 12 घंटा लगता है 12 किलोमीटर डॉक्टर का। तो वहाँ पे शाम के टाइम में रश बहुत ज़्यादा था, देखो नहीं रहा, और मैंने ताशु को बोलना भूल गई कि बच्चों को अंदर कर लेना, उसको ब्लैकी को पार्वो है। तो एकदम से शहजादा आया स्निफ करने के लिए और मैं फटाफट भाग के आई वहाँ से। तो गाइस सबसे पहले मैं नहा के आई, और अब मैं मिलूंगी अपनी दूध मलाई से, मैं गलती से अपनी दूध मलाई से मिल लिया था, मैं जैसे आया मैं ब्लॉग बना रहा था मैं भूल गया है, क्योंकि ब्लैकी को रखा है पार्वो। वैसे तो दोनों बच्चे हमारे वैक्सीनेटेड हैं, हमारी विस्की भी वैक्सीनेटेड है, होता नहीं है वैक्सीनेटेड बच्चों को, लेकिन हु नेवर नोज है ना, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं कभी नहीं लेती नवाब के साथ में, मैं कभी नहीं चाहती कि जिस बच्चे की वजह से मैंने इतना सब कुछ सीखा है तो मेरी वजह से उसके ऊपर कभी कुछ आँच आए। और ये दूध मलाई मेरे पास तब आई थी, अब क्यों नहीं आ रही है दूध मलाई मेरे पास, अब क्यों नहीं आ रही है।
इतने प्यार से आई थी यार मिलने, मेरे को इतना बुरा लगता था, मैं इसको अवॉइड करती हूँ ऐसे। हाँ जब मैं बच्चों के साथ से आती हूँ मिलके, तो अब तब क्यों आते मेरे पास, क्यूटी ताकि मुझे एक ही बात बोल रहा है कि बादल हो रहे हैं, बादल काले वाले बादल, तो मैं देखने आ गई, हो तो रहे हैं सच में बादल, वहाँ भी हो रहे हैं। ओए मेरी गुड्डी, मम्मा आ गई, इच्छी होनी की मम्मा आ गई, जल्दी आ जल्दी, नहीं नहीं नहीं, नौ पकड़म पकड़ाई, नौ गिरगिट पकड़म पकड़ाई। अभी मैं जा रही हूँ नवाब की दुनिया में, मैं गई नहीं दो तीन दिन से रोहन के पास, तो मुझे कुछ बात करनी थी, मुझे मतलब बच्चों से भी मिलाऊंगी, बच्चे भी आए हुए और अच्छा जी गोला भी बोला, हाँ हाँ तू भी है, लग गई थी अटेंडेंस, लग गई क्या, इन लोगों को नहीं मिलना होता, ये दादाजी की राल दोनों साइड से क्यों टपक रही है दाढ़ी की तरह, भाई साहब देख रहे हो, अंदर तो आने दे भाई, अंदर तो आने दे, अंदर कितने क्यूट आ रहे, अभी देखना इसको खड़ा कैसे हो गई, ये पद्मा, ये लो बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार, रात को 2:30 बजे फरार मत कराओ, नहीं 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 फरार नहीं होना चाहिए, अपने घर जाने के लिए फरार होना चाहिए। तो गाइज अब मैं निकल रही हूँ नवाब की दुनिया से, घर जाती हूँ, घर जाके बनाती हूँ खाना, और ये समझ नहीं आ रहा खाने में बनाया क्या जाए, रोज़ भाई मेरे को तो सच में नहीं समझ आता क्या बनाया जाए, मम्मी जब तक बनाती थी ना, मम्मी के साथ में थे हम लोग, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक लाइफ ऐसे थी कि बना बनाया मिल रहा है, उसके ऊपर से नखरे खूब चल रहे हैं, अगर घिया बन गई मैं नहीं खा रही, कढ़ी बन गई मैं नहीं खा रही, मेरे लिए ये बना दो, और मम्मी ना बना के भी रखती थी, मम्मी को पता था कि घिया बनी है तो ये नहीं खाएगी, कढ़ी बनी है तो नहीं खाएगी, साग बना है तो नहीं खाएगी, मैं ये सब नहीं खाती हूँ। गाइस तो मैंने बना लिया खाना, रोहन के लिए लेके जा रही हूँ, ताशु आके खाएगा, ताशु बोल रहा कि मैं फीडिंग करके करवाऊँगा क्योंकि मैं कल नहीं जा पाया था, तो आज मैं जाऊँगा तो आके ही खाऊँगा खाना, और अभी बाहर मौसम ना अच्छा हो गया, ठंडा हो गया, आंधी से चली गए, और ये जो मुँह पे पानी है पसीना बिल्कुल नहीं, मैंने मुँह धोया है, ये देखो ये चल गई आंधी, पेड़ कितना अच्छा हिल रहा है, और इधर चांदू मामा, इधर नाबू बैठा देख रहा है क्योंकि पापा खा रहे हैं इधर खाना, और इधर किसी की राल टपक रही है, और ये भाई साहब खा चुके हैं खाना, सबसे पहले मैं इसी को जिमाती हूँ, सबसे पहले जिमने के लिए इसी को बिठाती हूँ, मैंने कहा भाई तू जिम बाकी तो बाद में खाएंगे, और ये वैसे टुई निकाल के क्यों बैठा है तू। तो भाई जैसे ही हमने दर का दरवाज़ा खोला निकलने के लिए, हमारी लाइट आ गई, मतलब हार्डली 5 मिनट के लिए गई, ताशु बोला तो वही इसका मतलब हम ही पनौती है, हम जैसे ही घर से निकले लाइट आ गई, इससे अच्छा हमें पहले निकल जाना चाहिए था। चलो दस फटाफट खाना खिला के आते हैं, जय श्री राम, थोड़ी लाइट आ गई रोड पे। हाँ तो भाई हम लोग निकल तो गए घर से, लेकिन आंधी इतनी तेज चल रही है कि आँख में ना कुछ कुछ गिर रहा है, आँख नहीं खोल पा रही मैं, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है बचपन से, मेरी आँख ना बहुत ही चिपकी वाली आँखें हैं, वाटरी आईज होती है ना, तो कुछ कहीं कुछ हवा चल रही हो यहाँ आके गिर जाता है, फिर बैठ जाओ आधे दिन के लिए, मेरे उस दिन मैं नवाब ताशु को लेके गई ना दवाई के लिए, उस दिन मेरी आँख में कुछ गिर गया था, तो डॉक्टर ने ताशु को तो बाद में ट्रीटमेंट दे रहा, पहले मेरी आँख लेके खड़ा हो गया, करा स्कूटी पीछे जा रही है, स्कूटी पीछे जा रही है, मेरे को डर लग रहा कुछ लगना लगाना जाए, हमारे उड़ के कुछ आया पता चले, मुंडी कट गई ताशु, आराम से तू कहाँ कहाँ भाई कहाँ कहाँ भटक रहा है, ओए ओए बताऊँ भी, उसको डरा दिया बेचारे। गाइस आज तो फीडिंग हम कैसे कर रहे हैं हमें ही पता है, ताशु को देखना, ताशु ताशु ने मेरे पीछे आंखों पे हाथ रख के मुँह छुपा के बैठा है, और हम ना सच में रेत से ना आ गए, हमें तो आँख भी नहीं खुल पा रही, मैं ड्राइव नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे ना हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे ना ऐसे गोला सा बन के आ रहा है, और वहाँ सामने आग लग गई है पता नहीं कैसे जंगल में खेत में, पता नहीं क्या, मैं कभी खैर गई नहीं उधर, चलिए बच्चे, तो
हम लोग फीडिंग करके आ गए घर वापस और शहजादे जी हमारा वेट कर रहे गेट पे। तो दीदी पता नहीं कहाँ खाने का कट्टा लेके गई है और अभी तक आई नहीं। तो गाइस मैं आ गई घर और शहजादे मुझे कैसे मिल रहे। चलो अब लगते हैं अपने दूसरे गाँव। गाइस ऑल सेट टू गो। इधर ताशु कर रहा है डिनर, रोहन कर रहे हैं एडिट, शहजादे ने भी खाना खा लिया है, नवाब पी रहा पानी और इधर है मेरा डिनर ट्रफल, क्योंकि आज कुंवर का बर्थडे था तो जो इन लोगों ने कल केक काटा था वो तो मुझे मिला नहीं, तो फिर मुझे मिली ट्रफल खाने को, है ना बिचकू। अब हम बैठ के खाएंगे ट्रफल। ये है हमारा डिनर, दिन हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।